हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का पूरा। मैं आपको सिलेबस कराने वाला हूँ जितना भी है सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड, ठीक है। इसके बीच में आपको ग्रामर के टॉपिक भी मिलेंगे और लिटरेचर का पोर्शन भी देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिटरेरी पीरियड्स की, क्या इंग्लिश के अंदर क्या लिटरेरी पीरियड्स जो हैं उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला अपने को लिटरेरी पीरियड देखने को मिल रहा है उसका नाम क्या है, रिनेसा, ठीक है। रिनेसा की स्पेलिंग याद रख लेना, RENAISSANCE। रिनेसा जो है इसका टाइम पीरियड कितना है, 1500 से 1660 के बीच में इसको अपना टाइम पीरियड को देख सकते हैं। इस टाइम को चार स्टेजेस में बांटा गया है। चार स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एक है एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कार्लियन एज और प्यूरिटन एज। अपने जो पेपर के अंदर है वो कौन कौन सी है, एक तो एलिजाबेथन एज, एक है जैकोबियन एज, उसके अलावा कार्लियन एज का अपने थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्यूरिटन एज अपने पेपर में नहीं है, क्लियर। अब बात करते हैं अपने आगे कि जो एलिजाबेथन एज है इसके बीच में पहले तो आपको ये बताना चाहिए जो एलिजाबेथन एज है इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज रही हैं, मतलब इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रही हैं, तो इसमें कौन कौन से राइटर्स रहे हैं। तो एलिजाबेथन एज के अंदर या रिनेसा का मतलब क्या होता है, रिनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म, रिवाइवल, रीअवेकनिंग, रिफॉर्मेशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और गोल्डन एज इसको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, एलिजाबेथन एज के मीनिंग अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में अगर देखें तो एलिजाबेथन एज के अंदर जो ये रेनेसा वर्ड है ये कौन लेके आया है, तो ये जूलियट मिशेल लेके आया है। वेलकम किसने किया, तो इसका वेलकम पेट्रार्क ने किया है, और मेन इसको पॉपुलर किसने किया, तो शेक्सपियर ने किया। तो एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने ही इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब से मानी जाती है, तो इटली में मानी जाती है 14th सेंचुरी से, जबकि इंग्लैंड के अंदर ये लेट 15th टू अर्ली 16th सेंचुरी मानी जाती है। इसके बीच में कौन कौन से पोइट और एसेइस्ट रहे हैं, तो सबसे पहला नाम आता है शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी जॉनसन, सकविल, मार्लो, थॉमस मोरे, थॉमस नैश, ग्रीन, केले, लीली, किड के अलावा जैसे लॉज, ठीक है। तो इन सब के नाम अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर अपने आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे कौन से और इंसान देखने को मिल रहे हैं अपने को, थॉमस लॉज, बेकन, रॉबर्ट बर्टन। तो ये सारे अपने को नाम देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में अपने को क्या याद रखना है कि जितने भी इसके बीच में राइटर या एसेइस्ट हैं उनकी कौन कौन सी पोइम्स हैं, नॉवल्स हैं, वो भी याद रखने पड़ेंगे। तो शेक्सपियर का सबसे पहला ट्वेल्थ नाइट, एमिड समर नाइट ड्रीम, द विंटर्स टेल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट, एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा। उसके बाद में देखें तो रैप ऑफ द ल्यूक्रिस, वीनस एंड एडोनिस, जूलियट कासियर, हैमलेट। इन्होंने सोनेट्स जो लिखे हैं वो कितने लिखे हैं, 154 लिखे हैं। तो प्ले कितने हैं, 37 प्लेज हैं। यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में अपने को इतना ही देखना था। उसके बाद में आता है स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, इनको पोइट्स ऑफ पोइट कहा जाता है। जो इनकी अपने कह सकते हैं रिटन वर्क है वो कौन सा है, फेरी क्वीन, दी शेफर्ड कैलेंडर, अमोरिटी, द टीयर ऑफ मूसस, एस्ट्रोफल और एपिथेलमियम और प्रोथेलमियम। एस्ट्रोफल जो है वो किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है, तो सिडनी की डेथ के ऊपर एस्ट्रोफल लिखी गई। उसके बाद में अगर अपने नीचे की तरफ देखें तो आता है फ्लिप सिडनी ने क्या क्या लिखा है, अर्कैडिया, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, एंड एपोलॉजी फॉर पोइट्री। तो ये याद रखना नाम के थ्रू ही अपने को ये सारे वर्क्स याद रखने पड़ेंगे। बेन जॉनसन ने क्या क्या लिखा है, बेन जॉनसन ने कहा है कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, अल्केमिस्ट, पोइटेस्टर, डेविल एज एन एस और बार्थोलोमियो फेरे। तो ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं। उसके बाद में आता है क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या क्या लिखा है, डॉक्टर फोस्टस, एडवर्ड सेकेंड, ड्यू ऑफ माल्टा, ट्रेजेडी ऑफ डिडो और टेम्परलैन द ग्रेट। ये किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। उसके बाद में बेकन आता है, तो बेकन ने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, अचीवमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू अटलांटिस, नोवाम एंड ऑर्गेनम, ये लिखे हैं।
अलावा अगर अपने देखें तो यहाँ पे काउंसिल्स सिविल, ये भी इसने लिखा है। इसका सब टाइटल एसिज को कहा गया है, मतलब कि मेन जो है, अपने अगर बेकन को देखें तो बेकन अपनी इन चीजों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, तो बेकन अपनी एसिज के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। एसिज इनके पास कौन कौन से थे, तो जैसे ऑफ से स्टार्ट होते हैं, ऑफ स्टडीज, ऑफ लव, ऑफ एंगर, ठीक है, ऑफ फैमिलीज, ये सारे के सारे क्या है, इनके एसेज रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद में इनकी आती है करेक्टरिस्टिक्स, तो फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, मतलब कोई भी अपने को भेदभाव नहीं देखने को मिलता, अननेसेसरी रिचुअल्स, तो जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो सारी अपने को रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। रिचुअल्स मतलब प्रथाएं होती हैं। ग्लोरी ऑफ नेचर, नेचर की ग्लोरी को ये डिफाइन करता है, ह्यूमन बॉडी को डिफाइन करता है, और वर्ल्ड ऑफ नेचर के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। इट ब्रॉट नॉलेज, ये क्या लेके आया है, नॉलेज लेके आया है। पेट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम की भावना लेके आया है, और ब्रॉड माइंडनेस के ऊपर ये बातचीत करता है। कौन, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के अंदर ही ड्रामा और सोनेट्स को डेवलप किया गया। अब कुछ यूनिवर्सिटी बिट्स होते हैं, अपने ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया था, उन ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग थे, तो मार्लो, किड, लीली, ग्रीन, पीले, नैश और लॉज, इनका नाम याद रखना। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है उनके क्या क्या नेम है, तो उन सब के नाम पूछ सकता है, या ये कह सकता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी विट नहीं है। एलिजाबेथन एज के अंदर यूनिवर्सिटी विट नहीं है, मार्लो, किड, लीली, ग्रीन, पीले, नैश, लॉज, ये सारे अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर अपने आगे की तरफ देखें तो दो और इंसान है, तो ये बताते हैं कि एलिजाबेथन एज के अंदर फर्स्ट जो ट्रेजेडी हुई है वो कौन सी है, गॉर्बाडोक, और ये किसने लिखी है, सक्विल ने लिखी है। कौन सी फर्स्ट ट्रेजेडी है, गॉर्बाडोक, और किसने लिखी है, सक्विल ने लिखी है। फर्स्ट अगर कॉमेडी देखी जाए एलिजाबेथन एज के अंदर, रोइस्टर डोइस्टर, ये नाम है रोइस्टर डोइस्टर, और ये किसने लिखी है, निकोलस उडेल ने लिखी है, निकोलस उडल। क्लियर, अब यहाँ पे आपका क्या एक मैटर क्लियर होगा, जिसके बीच में अपनों ने पढ़ ली रिनेसाइज। रिनेसाइज के बारे में आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको रिनेसाइज के बारे में ये देखना है कि रिनेसाइज जो है उसका टाइम पीरियड 1500 से 1660 के बीच में है। फिर उसको आगे डिवाइडेशन क्या हुआ है चार स्टेजेस में, के बीच में से अपनों ने आज एलिजाबेथन एज पढ़ी है, जिसके बीच में एलिजाबेथन एज का अंदर जो रिनेसा है, तो रिनेसा जो है, रिनेसा वर्ड का मीन्स क्या होता है, किसने इस वर्ड को अपने कह सकते हैं डिजाइन किया, किसने इसका वेलकम किया और किसने इसको पॉपुलर किया। उसके बाद में इसमें कौन कौन से पोइट्स और एसेस्ट हुए हैं, पोइट्स ने क्या क्या लिखा है, जिसके बीच में मेन है शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी जॉनसन, मार्लो और बेकन, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रही हैं ये भी अपनों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रेजेडी और कॉमेडी पढ़ ली है, अब हम पढ़ने वाले हैं अरुंधति रॉय, ठीक है। डेली की इसी तरह की आपके सामने एक तो कोई लिटरेरी पीरियड आएगा, उसके अलावा एक किसी पर्सन के ऊपर बात की जाएगी, और एक आपका इसी के साथ ग्रामर का टॉपिक भी ले लिया जाएगा। तो अब बात करने वाले हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, शिलोंग में हुआ है। इनको मैन बुकर प्राइज कब मिला था, 1997 में मिला है। किसके लिए मिला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद में अब इनके वर्क्स को अपने देखेंगे, तो इनका पहला वर्क गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें एस्था और राहिल दो करेक्टर्स हैं। इसके अलावा कैपिटलिज्म, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज़ादी, द डॉक्टर एंड संत, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द अलजेब्रा ऑफ इंडेफिनेट जस्टिस, प्रॉपर रिपब्लिक, एन ऑर्डनरी पर्सन, गाइड टू एम्पायर। उसके बाद में अगर देखें तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यहाँ पे आपके सामने 10 मैंने बता दिए हैं, 10 इनके वर्क्स ऐसे बता दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो आपने देख लिया होगा। मेन क्या है इसके अंदर, मेन ये है कि इनको कोई भी प्राइज मिला है तो उस प्राइज के बारे में याद रखें। प्राइज किसके लिए मिला है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। कब मिला है, 1997 में मिला है। और इनका वर्क को भी याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको चार वर्क्स दे देंगे और अरुंधति रॉय ने कौन सा वर्क लिखा है ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं अब सोनेट। तो सोनेट जो है ये भी आपका एक लिटरेरी टर्म है, ठीक है, लिटरेरी टर्म है। इसके बारे में आप बात करते हैं, लिटरेरी टर्म के बारे में, तो
इस लिटरेरी टर्म में कहा गया है कि सोनेट जो होता है वो क्या एक लिरिक पोइम है। लिरिक पोइम का मतलब क्या होता है, जिसको अपने गा सकते हैं। लिरिक मतलब मधुर आवाज आती हो। ये 14 लाइंस की पोइम होती है और अयाम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी जाती है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है इटली से। स्टार्टिंग कहाँ से इसकी मानी जाती है, इटली से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और बाद में क्या है, इसको डिवाइड कर दिया गया था कि ये सोनेट इटालियन सोनेट है, ये मिल्टोनिक सोनेट है, इस तरह से अलग अलग नाम दे दिया। तो सबसे पहला जो हमारा वो है इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट का अदर नेम क्या है, पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, क्लासिकल सोनेट और रेगुलर सोनेट के नाम से जाना जाता है। तो इस पेट्रार्कन सोनेट या इन सब एक ही सोनेट के बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन से है और सेस्टेट का मतलब कितनी लाइनों से है, 6 लाइन से है। वैसे ही अपने को पता लग रहा है, ओ से ओक्टा कहते हैं तो 8 लाइन होती है, सेस कहते हैं तो 6 लाइन होती है। 9th लाइन में क्या है, अपने को टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। जैसे कोई भी कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही इनके जो सोनेट की लाइन्स में जो 9th लाइन होती है उसमें ट्विस्ट आता है। सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं, 3-3 लाइन्स होती हैं, जिनको अपने क्या कहते हैं, टेरसेंट कह देते हैं। इसकी जो राइम स्कीम है वो ABBA ABBA TDE TDE रहती है। तो इसकी राइम स्कीम ज़्यादातर याद रखना कि राइम स्कीम कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। उसके बाद में अगला जो होता है वो आता है शेक्सपियरियन सोनेट। जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसको एलिजाबेथन इंग्लिश सोनेट, इंग्लैंड का सोनेट भी कह दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, थॉमस वाट ने की थी। सरी ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। ये भी 14 लाइन्स की होती है, दोनों की दोनों 14 लाइन्स की होती है। इसमें क्या है, क्वार्टन्स होते हैं जो कि 4-4 लाइन्स के होते हैं। कितने क्वार्टन्स होते हैं, 3 क्वार्टन्स होते हैं। इसमें टोटल कितनी लाइनें होगी, 12 लाइन्स होगी। लास्ट में जो 2 लाइनें बच जाती हैं इसको अपने क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। या अपने ये कह देते हैं कि जो भी पूरी कहानी सुनाई है 14 लाइनों में, या जो भी पोइम लिखी है उसका जो एंड है या उसका जो निष्कर्ष है वो कितनी लाइनों में आता है, 2 लाइनों में, जिसको अपने क्या कहते हैं, कपलेट कह देते हैं। 3 क्वार्टेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है, ये तो क्लियर होगा। इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या होती है, ABAB CD CD EF EF GG GG। ये आपका क्या है, ये आपका GG कपलेट है। शेक्सपियर के 154 सोनेट्स हैं, जिसके बीच में से अपने एक यहाँ पे देख रहे हैं, शैल आई कंपेयर और नॉट मार्बल। ठीक है, शैल आई कंपेयर और नॉट मार्बल, ये क्या है, शेक्सपियर के सोनेट है। उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है स्पेंसेरियन सोनेट। सोनेट स्पेंसर के टाइम में लिखा गया है। इसको लिंक सोनेट या इंटरलॉक्ड सोनेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, ABAB BC BC CD CD EE। देखो ABAB मतलब B से खत्म हो रहा है तो B से स्टार्ट हो गया, C पे खत्म हो रहा है और C से स्टार्ट हो गया। इसको क्या कहते हैं, इंटरलॉक्ड या लिंक सोनेट कह देते हैं। उसके बाद में आता है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट किसने डेवलप किया, तो जीएम हॉपकिंस। इसे शॉर्ट सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये 10.5 लाइन्स का होता है या फिर 11 लाइन्स का होता है। उसके बाद में एक आता है कोडेट। कोडेट क्या होता है, इसको अपने टेल या कोडा कह देते हैं। ये 14 लाइन्स से ज़्यादा लाइन्स का भी हो सकता है। इसके बाद में जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अगर कोई सोनेट लिखा है तो वो कौन सा है, लंदन 1802 में लिखा है। उसके बाद में मिल्टन जो है इसने ऑन इज ब्लाइंडनेस लिखा है, ऑन इज 23rd बर्थडे व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, तोरुदत्त ने द लोटस लिखी है। तो यहाँ पे ये सोनेट्स कंप्लीट हो जाते हैं अपने, और इंग्लिश लिटरेचर का आधे से ज़्यादा पोर्शन अपने इसी तरह से क्लियर करेंगे, और ग्रामर के टॉपिक्स भी आपको डेली देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।